अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। चुके उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, फिट होगे, खुश होगे। सब फाइनली पैक आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज की गेम प्ले वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक रहने वाली है। आप लोगों को पता है क्या, सभी रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा बिजी है और लॉबी बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है आप लोगों को। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर हमारे साथ, क्योंकि भाई का रिजल्ट टॉप 2 भी डन हो चुका है, जो कि मैं आप लोगों को डिस्प्ले कर चुका हूँ यहाँ पर। ये बाद वाली रिकॉर्डिंग थी जो कि मैंने पहले ऐड किया आप लोगों को दिखाने के लिए, रिजल्ट टॉप 2 भाई का डन हो चुका है। और आज की गेम प्ले के अंदर खान साहब आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जैक ऑफिशियल जो गाइस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक लॉबी रही है यहाँ पर, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, आप लोगों को काफी खतरनाक कंटेंट देखने को मिलने वाला आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर, क्योंकि भाई के पास कंटेंट बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है लेकिन रिकॉर्डिंग और एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। सो 15 के सब्सक्राइबर्स डन करने के लिए थैंक यू सो मच सभी का यहाँ पर, थैंक यू सो मच सिंगल पर्सन का यहाँ पर जिसने भाई को सपोर्ट किया। और अब जल्दी से यार, जल्दी जल्दी से गाइस 20K भी हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर भी करो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर सेट कर देना यहाँ पर, और वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच किया करोगे यहाँ पर। एंजॉय गेम प्ले वीडियो यहाँ पर। भाई आप लोगों का हमेशा की तरह यहाँ पर पीक पर ही लैंड होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेरे से पहले मेंबर उतर चुके हैं भाई साहब, उसने मुझे देख लिया और थॉमसन के किराए लेकिन यहाँ पर पीछे से मुझे नॉक कर दिया जैक की जानब से। तो भाई साहब सारे ही तगड़े स्क्वाड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भाई आप लोगों का दोबारा से पीक पर लैंड हो चुके हैं और J18 के साथ इस बार, और लूट शूट भी पहले कर ली जाए। जोकर के किल्स काफी तेजी से था, जोकर भाई साहब क्योंकि बच गया था साइड पर थोड़ा सा, जिसकी वजह से जोकर ने किल काफी तगड़े निकाल लिए गए यहाँ पर। जोकर की आईडी से शानी खेल रहे हैं और अब यहाँ पर थॉमसन भाई के पास है, जोकर ने एक और नॉक निकाल दिया यहाँ पर काफी जबरदस्त। और ये बंदा यहाँ पर उतरता है और उतरते ही मैं इसको यहाँ पर ओनली रेड कराता हूँ और इसको जल्दी से यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं। फर्स्ट ब्लड तो फाइनली मैंने कर लिया है, लूट शूट भी थोड़ी सी कर ली जाए ताकि किल्स निकालने में आसानी रहेगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं M60 को भी ट्रिपल चिप करेंगे, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर लास्ट सीजन भी भाई आप लोगों का M60 में टॉप 1 पर ही दिखाई दे रहा था, तो इस बार भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना यहाँ पर कि कौन सी गन इस बार टॉप 1 पर लेके आऊँ, सो फिर उसके मुताबिक आगे देखेंगे। वैसे तो अभी भाई आप लोगों का काफ़ी सारी गन्स में टॉप पे आने वाला है, तो काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद मिशन वगैरह हम लोगों ने कर लिए और यहाँ पर एयर ड्रॉप लूटने के लिए मैं आता हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर बंदा नजर आता है यहाँ पर सामने, इसको ओनली रेड कराता हूँ, नॉक कर देता हूँ इसको जल्दी जल्दी से, मैं यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर हम लोगों ने वेट किया, कोई बंदा भी मिल नहीं रहा था क्योंकि पीक हो चुका था पूरा खाली, तो हम लोगों ने मिशन वगैरह भी वहीं पर ही कर लिए थे। सो यहाँ पर लूट शूट करके आप लोग यहाँ पर दोबारा से पीक गए, पीक से वापस अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर यहाँ पर बंदा कोई नहीं नजर आया, सो यहाँ पर मुझे फाइनली एक बंदा नजर आता है। सो मैं यहाँ पर फौरन से वॉल लगाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार उसने देख लिया, लेकिन वो बंदा अपनी लूट में इतना मगन है कि यार मुझे बिल्कुल नहीं देख रहा। और खान साहब के भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं किल्स वगैरह भी, और खुद भी लोग हो रहे हैं अगर यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर शॉट कराता हूँ काफ़ी हैवी ट्रोगन के, और ट्रोगन के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर फौरन से इमोट भी कर दिया और फिनिश भी कर दिया भाई के ट्रिपल के लिए, यहीं पर ही कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर यहाँ पर क्योंकि भाई के पास M60 है तो एडवांटेज रहने वाला है, तो यहाँ पर बंदे को मैं देखता हूँ और यहाँ पर फौरन से इसको मैं शॉट कराता हूँ। 26 का ही डैमेज था काफ़ी, सो इसको यहाँ पर फिनिश कर लेता हूँ जल्दी से। क्वाड्रा किल मेरा यहीं पर हो चुका है और मेरे टीममेट्स देख लो, मेरे साथ सिर्फ जोकर, बाकी जो कि मेरी जो दूसरी आईडी है पख्तून वाली, और जैनी जो कि हमारे सर्वाइवर भी हैं गाइस यहाँ पर, और लिटरली अलग अलग ही देखने को मिल रहे हैं अपने मजे मजे मस्त मॉल में गाइस फिर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई जल्दी से यहाँ पर लूट वगैरह कर लेता है गाइस यहाँ पर, क्योंकि लूट वैसे तो काफ़ी ज़बरदस्त है लेकिन एमओ बहुत कम रह चुकी है, सो जिसकी वजह से मैंने कहा यार M60 के लिए तो पता भी नहीं चलता भाई एमओ का, और यहाँ पर मुझे इतने बैड शॉट पड़ता काफ़ी हैवी किस्म का। भाई साहब बंदा कहीं एम ही ले रहा था बैठा हुआ मेरी, सो मैं यहाँ पर वॉल चलो मैंने लगा दिया और जोकर मुझे यहाँ पर रिवाइव कर देता है जल्दी जल्दी से। और लेकिन ये कि हम लोगों ने जोन कवर कर लिया गया यहाँ पर, क्योंकि लास्ट जोन भी हम लोगों ने चेक कर ली थी कि यार लास्ट जोन किसी का बनने वाली है, क्योंकि लॉबी काफ़ी हार्ड थी तो हम लोगों ने पोजीशन मेंटेन करने की बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि किल्स तो आप लोगों को पता लास्ट जोन के अंदर भी निकल आते ईजिली काफ़ी हैवी, लेकिन किल्स भी सही चल रहे हैं और पोजीशन भी होल्ड करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। सो यहाँ पर बंदों को मैंने देखा ज़रूर है, सो यहाँ पर इनको यहाँ पर एम ले रहा था लेकिन यहाँ पर मुझे कोई नजर नहीं आता, लेकिन नीचे आर्सेनल के अंदर भी बंदे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं शॉप की तरफ से भी एक स्क्वाड आने वाला है जो कि मैंने देखा था जिसको। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से मुझे बंदे नजर आते हैं, तो यहाँ पर इनको मैं शॉट कराता हूँ, एक नॉक हो जाता है और दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ गया कहीं ना कहीं, लेकिन वो नॉक वाला भी आई थिंक रिवाइव हो जाएगा। इतने मेरे पास यहाँ पर कोई बंदा लैंड होता है और यहाँ पर अपनी एबिलिटी के साथ, लेकिन जोकर का कवर काफ़ी अच्छा था तो जिसकी वजह से भाई आप लोगों का बच जाता है। और अब यहाँ पर जोकर मुझे कह रहा है कि यार ड्रैगो यहाँ पर और भी बंदे हैं, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इतने में यार हील करते करते यहाँ पर बंदा मुझे नजर आता है, तो यहाँ पर इसको शॉट कराते हैं, इसको नॉक करते हैं जल्दी से, यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं क्योंकि बंदे यहाँ पर हवा में उतर रहे हैं। सो यहाँ पर M60 है तो M60 का एडवांटेज लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी से, बिल्कुल उसको फॉल लगाने तक का मौका नहीं दिया। और इतने में ही यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और यहाँ पर इसको मैं ट्रोगन के शॉट लगाकर नॉक करता हूँ, और खान साहब ही है भाई साहब, खान साहब का सेकंड अकाउंट गाइस यहाँ पर है वी के लेची, काफी जबरदस्त है। यहाँ पर रिमोट शिमोट करने का सोचता हूँ लेकिन मैं फिर रिमोट नहीं करता, हवा में देखता हूँ तो हवा में भाई
हवा में तो लैंड हो रहे हैं बंदे, तो हवा में इसको मैं यहाँ पर नॉक करता हूँ और इसको जल्दी से यहाँ पर फिनिश करें, क्योंकि किल चोरी हो जाएगा भाई किसी टाइम पे भी, अब नहीं रिस्क लेने का बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बंदे यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठे हुए इस ब्राउन हाउस के अंदर गए, यहाँ पर पता नहीं कहाँ से उतर रहे हैं यार, लेकिन बस उन्होंने वो कवर किया हुआ ब्राउन हाउस और हम लोगों ने ये पोजीशन अपनी कवर की है। देखते हैं उनको एडवांटेज रहता है या मेरा एडवांटेज रहता है। तो यहाँ पर व्हीकल को मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि व्हीकल कहीं ना कहीं कुछ सर्वाइवर होगा। तो यहाँ पर वॉल उसके पास एडवांटेज वाला है और जिसकी वजह से वॉल उसने दो तीन लगा दी हैं। जैनी को हम लोग यहाँ पर यहाँ से भेजते हैं, जैनी उसके वॉल हटा के इस तरीके से बाकी हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर वो बंदा जो कि कहीं ना कहीं सर्कल क्रिएट कर लेता है, सो जिसकी वजह से यार फिर हम लोग कहते हैं चलो छोड़ो इग्नोर करो यार उसको, इस साइड पे देखते हैं ये ना इस साइड पे रह जाए। और शॉप पे काफ़ी तगड़ी किस्म की फाइट हो रही है यहाँ पर और बंदे जो कि फाइट कर रहे हैं, लेकिन जोन का डिसएडवांटेज उनको रहना, पूरा स्क्वाड निकलने वाला और पूरे स्क्वाड को हम लोग लेने वाले। एक नॉक हो चुका है यहाँ पर, एबिलिटी ऑन कर दी गई डीएमटी वकासू की, कहीं ना कहीं वीरजैन और जैक ऑफिशियल को जानी ले गया। यहाँ पर दूसरे प्लेयर को मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज कराया और फिनिश भी कर दिया और 8 किल देखते ही देखते यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। और एक बंदा उसका अभी यहाँ पर निकलना चाह रहा जोन से और कहीं ना कहीं निकलने में कामयाब भी रहा, लेकिन कोई ना पहुंचेंगे हम लोग उनकी तरफ। और मैं यहाँ पर जोन के अंदर एमओ थोड़ी सी क्लेम कर लूँ तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जोन के अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं और देखते हैं अब आगे क्या होता है। यहाँ पर मुझे बताया गया है बंदे के यहाँ पे अंदर हाउस के अंदर बंदा बैठा हुआ है, आप लोग चेक करो भाई किधर बैठा हुआ है यार, ये जोन चेक करो। और आखिरी बंदा था इसीलिए सर्वाइव करा, पोजीशन होल्ड करना चाहता था, लेकिन अभी भी जैक ऑफिशियल का स्क्वाड भी अवेलेबल है और खान साहब का भी। गई लास्ट जोन है, सर्कल चेक करो आप लोग और प्लेयर्स को चेक करो, 16 प्लेयर्स स्टिल अलाइव और भाई के किल्स भी काफ़ी हैवी है, मिशन भी कंप्लीट है, अब सिर्फ भूजा पोजीशन हम लोगों ने होल्ड करनी है। स्ट्रैटेजी लगाते हैं, पहला स्क्वाड यहाँ पर वाइप करते हैं और कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी यार बहुत हैवी किस्म की है यार, अगर ये मिल जाए ना तो बहुत मज़ा आता है स्क्वाड को झटका देने में। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने उठाई हैं और जैनी को इतने में नॉक कर दिया जाता है, मैं जैनी के बाद जल्दी जल्दी से भाग के जाता हूँ। और मजे की बात यह कि फाइट दूसरी साइड में चल रही है, हम लोग एक एडवांटेज प्लेस पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर जैनी को भी जल्दी जल्दी से मैं रिवाइव देता हूँ, डैमेज जोन का बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जाते हैं जल्दी जल्दी से, जोकर खान साहब को यहाँ पर फिनिश करता है बिल्कुल। खान साहब के 3 प्लेयर शट डाउन हो चुके हैं, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आखिरी प्लेयर खान साहब का बचा है, तो जो कि जोकर के ऊपर अंधाधुंध किस्म का मुझे देखो रश करेगा। और मैं यहाँ पर ट्रोगन का शॉट लगाकर सोनियान और वाइप आउट, ओके लेट्स सी। यहाँ पर जोकर का शॉट भी अब हमारे बीच नहीं रहा, जैक ऑफिशियल भी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखते हैं अगर क्या सीन रहता है, क्योंकि जैक ऑफिशियल का स्क्वाड भी यहाँ पर शट डाउन कर दिया गया हमारी जानब से। और 11 के कॉइन्स मेरे पास है भाई साहब, अब एक बंदा यहाँ पर बचा है और इसके मैं ट्रोगन के यहाँ पर ओनली रेड कराता हूँ और फिनिश। भूया यहाँ पर कंप्लीट, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।